ਹਾਂਜੀ ਨੋਮੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਆ ਕਲਾਸ 9th ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਆ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ Uh, करा दें तो देख लो या तो जो पेपर आ इंग्लिश का किन्ने नंबर आएगा अस्सी नंबर का पेपर आएगा तीन घंटे का समा मिलेगा क्लास नाइन्थ इंग्लिश का पेपर देख लें दो हज़ार चौबी का यह तेपर आता तो देखो किए सब तो पहला जो तो है सैक्शन ए आज रीडिंग कॉम्पीहेंशन होनी है ये नंबर के पैसेज आऊगी तो कि लिखा है अपना दिस इज़ द एज ऑफ द मशीन यहा दो की है मशीन की युग है या फिर उम्र है जो चल रहा वा ठीक है उस तो बाद जब है ईवन मैन हैज़ बिकम अ मशीन मनुख भी मशीन बन गया है ही ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਅਰਨਿੰਗ ਮਨੀ ਆਲ ਦਾ 20 ਆਵਰਸ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਨੋ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਸ ਨਾਟ ਇੰਜੋਏ ਲਾਈਫ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ उस तो बाद है ही हैज़ कंपलीटली फॉरगटन द स्पीचुअल वैल्यू ऑफ लाइफ दोस्तों दो जीवन दिया आत्मिक कदर कीमतों में पूरी तरह जो है वा अपना विसार चुकया वा उसतों बाद है, अपना की लिखा है इतने कि मशीन आर एवरीवेयर इन द फील्ड इन द फैक्टरी इन द होम ठीक है जी तो ये दोस्तों देखो अगला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ 에ਵਰੀਵੇਅਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਹਰ ਥਾਂ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਗ हैगा वा बट इज़ द रियली हैप्पी इन द मशीन एज जगा सी मशीन uh, युग में दोस्तों सचमुच जो है खुश हैं ठीक really, है बट ही इज़ रियली जो है वा हैप्पी इन द मशीन एज बी ठीक है उस तो बाद जिख्या है हो है अपना कि द आंसर इज़ वैरी क्लीयर फ्रॉम हिज रूटीन uh, लाइफ जड़ा है आंसर इज़ वेरी क्लीयर यानी कि जोड़ा है वा इस द जवाब उसकी रूटीन लाइफ तो स्पष्ट है उस तो बाद लिखा मतलब मोटा मोटी दसा आई लिखा है कि वो असल में खुशी नहीं जो है खुश नहीं है बिना जो शक उस को जड़ा पैसा है उस कोल जुख हैं वह भौतिक वस्तुओं का आनंद माणता है पर उस नाल उसका जोड़ा है संबंध टुट गया है ठीक है जी तो कुदरत उसने अपनी जी है असली खुशी गुआ ली है देखा देखो पहला प्रश्न की निकल कर आ रहा है लाइफ इज लेस विदाउट डैश इतने आंसर की आ जाएगा यानी कि जीवन जोड़ा है डैश बिना अर्थहीन है तो दे बिना अर्थहीन है तो पहला प्रश्न का आंसर दोस्तों नोट कर हो सैक्शन ए का पहला आंसर आ जाएगा अपना स्पिरिचुअल वैल्यू ठीक है जी तो स्पिरचुअल वैल्यू दोस्तों की होंगी है यह धार्मिक विश्वासा कदरा कीमत अभ्यासा संबंध रखता है जो जीवन अर्थ प्रदान करते हैं तो यह जो है पहले प्रश्न का आंसर की हो जाएगा अपना स्पिरचुअलस वैल्यू ठीक है जी स्पिचुअल वैल्यू इतने आंसर टेक ला लेना वा बी ऑप्शन उस तो बाद दूसरा प्रश्न है अपना वेअर आर मशीन फाउंड जोड़ा है दोस्तों अपना मशीन कितने मिलदिया हैं मशीन जी है ने कि मिलदिया दूसरे प्रश्न का आंसर आ जाएगा अपना ऑल ऑफ दिस ठीक है यानी कि खेतीबाड़ी के खेतर भी फैक्ट्रिया भी सा भी, हूँ हर था ਅ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਲ ਆਫ ਥਿਸ ਟੈਕ લાલેનાવા اگے ਆਪਣਾ ઇઝ ધ મોડર્ન મેન ડેશ ઇન ધ મશીન એજ ભાઈ જેڑا હેગા વા ਆਪਣਾ આધુનિક મનુષ્ય જેڑا હેગા વા ડેશ યુગ ਵਿੱਚ મશીન યુગી ਵਿੱਚ તા દોસ્તો કી હે મશીન યુગી દે વચ્ચે ઓ તા એਦਾ આન્સર જેڑا હે કે તુસી ટિક લા લેના વા બી પ્રશ્ન હોएगा યાની કે અપના એਦਾ આન્સર બી ઓપ્શન હો જાયેગા યાની કે રીલી હેપી રીલી હેપી મતલબ દોસ્તો સચમુચ હો ખુશ હે યાની કે બહોત હુશી જાં ફિર ખુશી અથે સહી કર લો સ્પેલિંગ દેતે થે ठीक खुशी दिखा ठीक है रियली हैप्पी मतलब दोस्तों क्या बहुत खुश या, या फिर बहुत ही खुशी जो दिखाया या फिर बहुत ज़्यादा खुशी या फिर आनंदमई उत्साह महसूस करना या फिर प्रगट करना रियली हैप्पी का इस तरह मतलब हो जाएगा यानी कि बई जोड़ा मॉडर्न मैन आधुनिक मनुखा आ मशीन एज जो है बहुत ही खुश है रियली हैप्पी है उस तो बाद चौथा प्रश्न हाउ मैनी आवरस इन डे डज़ द मॉडर्न मैन रिमेन बिजी इन अरनिंग मनी आधुनिक जोड़ा मॉडर्न मैन आ ਉਹੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ 24 ਘੰਟੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ आह वाला प्रश्न का बी ऑप्शन यानी कि ट्वेंटी फोर आवरस अगे द मॉडर्न मैन हैज़ बई जो है आधुनिक मनुख्य को है तो दोस्तों की होया ता, एदा दोस्तों, दा हो आधुनिक मनुख्य तो यद आंसर दोस्तों पंजे प्रश्न का आंसर टिक ला लो की लाऊगा सप्शन लाना वा लॉस्ट लिंक विद नेचर जो है दोस्तों की वह इस तरह आधुनिक मनुख का कुदरत संपर्क टुट गया है किस तरह तो देखो की है ब्रम नेचर की होंगे बोस्तो ब्रह्मंड सारे पौधे जानवर आदि सारिया चीजा जो इस वापर वापरदिया जो लोगों द्वारा नहीं बनिया ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੁਦਰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਪੌਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਲੌਸਟ ਲਿੰਕ ਵਿਦ ਨੇਚਰ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਮਾਡਰਨ ਮੈਂਦਾ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਮਲੇਰੀਆ ਲਿੰਕਡ ਡੈਥ ਡਾਊਨ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡਡ 24% ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਮਲੇਰੀਆ ਕੇਸ ਇਨ 2017 ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 2016 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 24% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਿਲ सितंबर 2018 इंडिया रिपोर्टेड दो लख छिहत्तर हज़ार चार सौ अठासी मलेरिया केसिस सितंबर दो हज़ार अठारह तक भारत में मलेरिया के जे दो लख छिहत्तर हज़ार चार सौ अठासी केसिस हैं मलेरिया दैथ डिकलाइन टू ट्वेंटी नाइन इन टू थाउजेंड एटीन टिल सितंबर फ्रॉम वन नाइनटी फोर इन टू थाउजेंड सैवनटीन यानी कि मलेरिया होने वाली मौत दो हज़ार सतारह में एक सौ चौरानवे तो घट के दो हज़ार अठारह सितंबर तक रह गई हैं उस तो बाद अपना प्रश्न देखो की है ये मतलब प्रश्न तो नहीं इतने मतलब डेटेल डे डिटेल लिखिया हुई भी रीड आउट कर सकते हो दोस्तों ठीक है एक बार चंगी तरह रीड कर लोगे फिर थले प्रश्न दे आंसर देखते हैं जिम्मे कि पंद्रह कंट्रीज़ इन सब सहारन अफ्रीका एंड इंडिया एंड कैरिड आलमोस्ट अस्सी प्रसेंट ऑफ द ग्लोबल मलेरिया बढ़न ਅ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹ ਉਪਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 80% ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਆ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੋ ਆ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਦਾ ਇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ 2016 ਐਂਡ 17 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਲ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 2016 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਿਕਚਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੀ অপਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 24% ਡਿਕਰੀਸ ਇਨ ਮਲੇਰੀਆ ਕੇਸ तो यह आंसर दोस्तों चौबीस परसेंट डिक्रीज़ जग लिख लेना वा इन मलेरिया केस तो सब तो पहला दोस्तों मलेरिया की होंगे वा तो देखो मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मनुख्च मच्छर दिया कुछ किस्म द्वारा फैलती है यह तो मलेरिया का मतलब हो गया उसद तो अपना प्रश्न है इंडियाज़ मलेरिया केस रिकॉर्डिंग चार प्रसेंट ऑफ द बई जोड़ा है भारत में मलेरिया केसा चार प्रसेंट रिकॉर्ड किए गए हैं तो दोस्तों इसका आंसर जो है आ जाएगा अपना ग्लोबल मलेरी ग्लोबल सॉरी Burden, ग्लोबल मलेरिया बर्डन ठीक है तो ग्लोबल मींस दोस्तों की हिंदी दबा ग्लोबल मींस अफेक्टिंग द होल वर्ल्ड यानी कि सारे संसार ਨੂੰ प्रभावित ठीक है जी होल वर्ल्ड मतलब दोस्तों आ जाएगा अपना सारे संसार ਨੂੰ प्रभावित इस आंसर हो जाएगा यानी कि ग्लोबल ਤਾਂ ਇਥੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਗਲੋਬਲ ਮਲੇਰੀਆ ਬਡਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚੂਜ਼ ਦਾ অপਸ਼ਨ ਦੈਟ ਲਿਸਟਸ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਟ्रू ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣਾ आ रहा तीसरे आंसर जो है का अपना डी ऑप्शन आ जाएगा मलेरिया केसेस इन इंडिया डिक्लाइंड टू तो ट्वेंटी नाइन इन दो हज़ार अठारह टिल सितंबर फ्रॉम वन एंटी फोर इन दो हज़ार सतारा ठीक है जी तो ये आही लिखे हुआ है वा अपना ऑप्शन की है डी ऑप्शन आवाडा ये भारत में मलेरिया के जोड़े है केस दो हज़ार सतारा एक सौ चौरानवे तो घट के ठीक है जी एक सौ चौरानवे तो है वा घट के दो हज़ार अठारह सितंबर तक जो है रह गए डिक्लाइन मतलब दोस्तों की होंगे वा घट्ट होना आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जो आंसर जो है वह टिक ला लेना वा डी ऑप्शन यह जो तो है आंसर हो जाएगा अगला अपना हुन प्रश्न देखदेया की दे है अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री रिपोर्ट अराउंड डैश केसेस ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड इन इंडिया इन सितंबर 2018 सितंबर 2018 विच भारत विच सामने आई मलेरिया दे डैश मामलियां दे आले दुवाले सेहत मंत्रालय दी रिपोर्ट अनुसार है ता दोस्तों की है इज द आंकड़ा ता दोस्तों चलो देखदेया इसदा आंसर ता दोस्तों चौथे प्रश्न दा आंसर तोड़ा बी ऑप्शन हो जाएगा 276482 276482 चार सौ अठासी इसका आंसर हो जाएगा आह वाला ऑप्शन बी ऑप्शन जो है व टिकेक ला लो बी ऑप्शन अगे अपना हाउ मैनी केसिज ऑफ मलेरिया हैव बिन एसटीमेटड ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में मलेरिया के किन्ने मामलों का अंदाजा लगया गया है तो इसका जो है आंसर आ जाएगा अपना आखो इक्की नब्बे डबल जीरो ट्रिपल जीरो तो इक्की करोड़ नब्बे लख इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्की करोड़ नब्बे लख ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵਨ ਨੈਵਰ ਸੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਬਈ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਸੇਲ ਵਾਂਸ ਅ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਅ ਸੋਲ ਟੂ ਐਨੀਬਾਡੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੋਸ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬੋਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਿਡ ਫਰੋਮ ਡੈਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਸ ਨੇ ਬੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਂਬਰੀਜ ਕੈਂਬਰੀਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੈਂਬਰੀਜ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਬਰੀਜ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੈਂਬਰੀਜ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੈਂਬਰੀਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ उस तो बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखो की है मनी मेक्स आ, हाँ जी मनी मेक्स द डैश गो तो यंसर दोस्तो की आ जाएगा मनी मेक्स आ रहा दोस्तों इतने आ जाएगा अपना मेयर ठीक है जी मेयर मतलब दोस्तों पैसे नाल सब कुछ जोड़ा है का चलता है ठीक है जी तो इतने आंसर दोस्तों तो जोड़ा है मेयर हो जाएगा उस तो बाद हूँ अपना अगला प्रश्न देखो ये है प्रश्न का आंसर जेयर इतने जब कैब्रिज हो गया आ गया हू वाज़ अ शेर सिंह बहादुर शेर सिंह बहादुर है वह कौन सी स आंसर है अपना शेर सिंह बहादुर वाज अ फेमस हंटर ही लिव्ड इन लदवाणी विलेज ठीक है शेर सिंह बहादुर जरा कौन दोस्तों वह एक दोस्तों की सगा अपना एक बहुत ही जोड़ा है व फेमस एक हंटर ठीक है जी शिकारी सी ही लिवड इन लदवाणी विलेज यानी कि दोस्तों दोस्तो जो है लदवाणी पिंड रहा ठीक है उस तो बाद अपना अगला प्रश्न देखो की है इतने अगला अपना प्रश्न है पांचवा प्रश्न द फार्मर गिव थ्री कॉइन डैश हाँ जी थ्री डैश कोयन टू बॉय ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਅ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇਗਾ ਤਿੰਨ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕਾਪਰ ठीक है जी तो कॉपर के सिक्के सन तो कॉपर कि होंगे वा यह एक लाल भूरी तात है खास तौर पर दोस्तों यह जो है तार सिक्के बनाने लिय वर्त्या जाता है कॉपर उस तो बाद दोस्तो इतने आंसर तुम्हें कॉपर टेक ला लेना वा यह डी ऑप्शन हो जाएगा अगर अपना डिड एनी वन हैल्प द डॉग बई जोड़ा है वा कुत्ते जीड़ी हैगी हाँ जी बई की, मतलब ये चाह लिखा हो किसी ने कुत्ते मदद ता की तो इसका आंसर किया जाएगा आ रहा अपना नो बॉडी हेल्प द डॉग भाई कि नहीं किसी ने भी है का कुत्ते मदद नहीं की अगला अपना प्रश्न है जयद्रथ किल्ड अभिमन्यु यानी कि भाई जयद्रथ ने अभिमन्यु नु मार ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ट्रू है या फाल्स ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ट्रू है यानी कि सही है जयद्रथ दोस्तों कौन सीगा दुर्योधन नु ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਰਯੋਦਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਸਬੰਡ ਸੀ ਤਾਂ जयद्रथ दोस्तों ਕੀ ਹੈ जयद्रथ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ रोल है अभिमन्यु की मौत की होया दोस्तों क्योंकि दोस्तों जो कौरबा ने अभिमन्युन घेर लिया सी, फिर अं अभिमन्यु हथियार बंद हो गया वोद को मतलब कुछ नहीं बचिया ठीक है जी लड़ाई करने लरह फिर जोड़ा है वा जैदरथ द्वारा उसमें बेहरमी जोड़ा है उसनों मार दिता गया काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल मतलब कौरबा ने तो घेर लिया बट इंपोर्टेंट रोल किने बहरमी मारिया तो वह जैदरथ ही तो इतने ट्रू हो जाएगा अगर अपना हुई बई हू इज हू वाज ब्रह्मन ठीक है जी तो बहर की लिखा दोस्तों अपना बरहर मैन ठीक है जी इस प्रनाशिएशन इस तरह करा बरहर मन ठीक है जी तो बई जो है भाई यह कौन सगा तो इसका आंसर जो है आ जाएगा अपना आ रहा इसका आंसर जोड़ा है दोस्तों बहरामन ठीक है जी जोड़ा यह पेंटर सगा एक बहरामन जरा दोस्तों की है सठ साल हाँ जी सठ साल का एक जो है पेंटर से वह एक जोड़ा है वास्टर पीस पेंट करना चाहता से इत जारा पालो मास्टर पीस पेंट करना चाहता सीता आंसर हो जाएगा उस तो बाद अपना प्रश्न देखो कि है बहरमान भी इसको आप कह सकते हैं बहरमान ठीक है, तो है? है, uh, है, है तो अगर अपना सैक्शन सी आ इंग्लिश टैक्सट बुक्स के प्रश्न ने तो देखो ये पहला प्रश्न की आ वट शुड वन भी अवेयर ऑफ बई जो है वा किसी किस तो सावधान रहना चाहिए है तो इसका आंसर जो है वा आ देख लो इसका आंसर आ जाएगा वन शुड भी अवेयर बी अवेयर ऑफ फ्लैटरस बई जगा वा चापलुसी वाल तो सावधान जरा वा रहना चाहिए है उस अपना अगला प्रश्न देखो की है इत हाँ जी अगला देख लेने हूँ दूसरा प्रश्न है अपना वट कुड द इंस्ट्रूमेंट मेज़र बई साधन जोड़ा है वट कुड द इंस्ट्रूमेंट मेज़र यानी कि साधन की माप सकता है तो इसका आंसर देख लिने चलो आ रहा इसका ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਤਾਂ ਅਜਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਟ ਕੁਡ ਮੈਜ਼ਰ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਅ ਪਲਾਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਟ ਆਲਸੋ ਮੈਜ਼ਰਡ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਵ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਕੈਨ ਫੀਲ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਕੈਨ ਸੀ ਯਾਨਕੀ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀਏ تھے ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ फॉर ड्यूइंग समथिंग कुछ करने सब तो महत्वपूर्ण मतलब समा कि है तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला हो जाएगा देखो इस प्रश्न का आंसर आ रहा है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कि नाउ इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम टू डू एनी थिंग मतलब की है कुछ भी करने लून का जो सब हूं का जो समा वा वह सब तो महत्वपूर्ण समा है उस तो बाद अपना अगला प्रश्न है कि बई नेम द मेटल्स फाउंड ऑन द मून ठीक है यानी कि बी चंद्रमा पाई गई धाता के नाम दसो तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा अपना अलमोनीयम टाइटेनियम आयरन और मेटल फाउंड ऑन द मून बई जेड़ा हैगा वलमोनीयम टाइटो जो हाँ जी टाइटेनियम और लोहा चंद्रमा से पाई गई धाता सन ता तो यह प्रश्न का आंसर हो जाएगा उस तो बाद अपना प्रश्न की है हु सॉरी वट इज़ चक्कर व्यू बई जो है चक्कर व्यू की है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अपना आ रहा ਬੈਟਰੀ ਬਿਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਚ ਲੋਂਦਾ ਰੁਕੋ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਨਸਰ ਵੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਚੱਕਰਵੀਉ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਅਰੇਂਜਡ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ a ਵੀਲ ਯਾਨਕੀ ਭਈ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ आंसर हो जाएगा जिम्मे की एक वील होंगी व्हील कह स रथ कि व इसे तरह का होंगे वह ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ 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 ਇਹਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਅਭੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਏਥੇ ਰਾਈਟ ਅ ਫਿਊ ਲਾਈਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਏ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਰੇਵ ਬாய் ਹੀ ਵਾਸ ਜਸਟ 12 ਇਅਰ 올ਡ ਭਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਦਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 12 ਸ ਲਵਿੰਗ ਹਿਸ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂ ਮਚ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਡੇਰਿੰਗ ਬੋਏ ਹੀ ਫੇਸਡ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੂ ਸੇਵ ਹਿਸ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਲਾਈਫ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੋਏ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ व्हाट इज़ द बजटिंग ऑफ टाइम इंपोर्टेंट समय का बजट बना महत्वपूर्ण क्यों है तो इस प्रश्न का आंसर की हो जाएगा आ रहा बजटिंग ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपोर्टेंट इन लाइफ जीवन जग बजट बहुत ही जोड़ा है जरूरी है इस तो बिना इंसान जिंदगी कदम भी कामयाब नहीं हो सकता ठीक है विदआउट इट वन कैन नैवर सक्सीड इन लाइफ विद पेपर बजटिंग ऑफ टाइम वी कैन मैनेज मैनी टास्क जगा दोस्तों अपना की लिखा है अपना सिमुलर uh, हाँ जी सिमुलर टेनसियली ठीक है जी इसका आंसर दोस्तों देखो की है ठीक है जी तो योनाएशन सही करो साइमल टाइनेसली इस होएगा ठीक है जी साइमल टाईनेसली इस बोलेंगे आप ही लिखा हो कि जीवन में ना समय का बजट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो बिना इंसान इंसान जोड़ा है जिंदगी कदम भी कामयाब यानी कि सक्सीड जोड़ा है वा कामयाब नहीं हो सकता है समय के सही बजट नी कई कामों जो है इको समय संभाल सकते हाँ तो यह जो है वा ਇਸ ਦਾ ਅਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਜਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੀਡ ਦਾ ਸਟੈਂਜਾ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਅਨਸਰ ਐਨੀ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ হেড ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਿੰਨ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਹੀ ਇਜ਼ देयर ਵੇਅਰ ਦਾ ਟਿਲਰ ਇਜ਼ ਟਿਲਿੰਗ ਦਾ ਹਾਰਡ ਗਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਦਾ ਪਾਥਮੇਕਰ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੀਕਿੰਗ ਸਟੋਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਲਰ है ये उ कि ना है उथे टिलर है कौन गॉड वगैरह की गल आ जीता देखो कि टिलिंग द हार्ड ग्राउंड एंड वेयर बई सख्त जमीन जी ਇਥੇ ਬਾਡੀ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟones ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ them ਇਨ ਦਾ ਸਨ ਐਂਡ ਸ਼ੌਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਦਾ ਪੋਇਟ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਆ ਨਾ उसका प्रश्न पोएटा पोएम दसो यानी कि कविता कवि नाम लिखो ता कविता नाम दोस्तों, की हो जाएगा इतने येगा अपनी कविता कि ओपन द आइज poet रविंद्रेथ टैगोर इसके पोयट ने चंकी तरह देखो दोस्तों की है पोएम का नाम ओपन द आइज एंड सी दे गॉड तोएट कौन ने अपने पोएट जगे अपने नाथ टैगोर जी है ये अपना आंसर हो गया पहले प्रश्न था उस तो बाद दूसरा अपना प्रश्न है व्हाट इज़ टिलर डूइंग भाई टिलर की कर रहा है तो इसका आंसर किया जाएगा टिलर की कर रहा है तो देखो यही प्रश्न है ना व्हाट इज़ टिलर डूइंग आंसर ही इज़ टैलिंग हार्ड लैंड ठीक है जी ही इज टिलिंग द हार्ड लैंड जोस्तो की अपना, ओ है अपना वह सख्त जमीन की वाढ़ी जग दोस्तों कर रहा है उस तो बाद अपना ये अगला प्रश्न की पूछा इन्होंने वट इज़ पाथ मेकर डूइंग बई पा मार्गकर्ता की कर रहा है तो वह जो है वा अपना हीज़ ब्रेकिंग स्टोनस यानी कि वो जो है वा पत्थर तोड़ रहा है उस तो बाद अपना अगला प्रश्न देखो की है वट विल हैपन इफ वी हेट ऑवर फैलो बींगस बई जोड़ा है यानी कि बई अपने जो है जे असी अपने साथियों नफरत करते हाँ तो की होगा ठीक है तो इस प्रश्न का आंसर देख लिने ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ what will be happen, uh, happen if we hate our fellow beings if we hate our fellow beings we shall lose their love ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਉਰਕਾ ਦਸ ਦੈਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਵਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ what will happen if we hate our fellow beings ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਨਸਰ ਹੈ if we hate our fellow beings ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਲੂਜ਼ देयर ਲਵ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਾ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ all men our brothers ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ भ्रा हैं ब्रदर हैं दस वैन वी हेट अदर वी हेट अवर सेल्फ्स ओनली इस तरह जो असी दूजे नफरत करते हाँ तो असी सिर्फ अपने आपू नफरत करते हाँ तो यह जो है आंसर हो जाएगा उस तो बाद अपना प्रश्न है वट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ओपन द आइज एंड सी द गोड वही कविता का केंद्रीय भाव उछा होगा सेंट्रल द आईडिया आ वाला जरा तो के अपना हाँ जी आ वाला जो पोयम आ ओपन द आइज एंड सीधे गोड आ इस तो उपर वाला जो प्रश्न है दोस्तों अगर तुम छोटा आंसर लिखना होगा ਕੋਟ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗਵਾ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਓਪਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਨ ਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਦਾਇਜ਼ ਸੌਰੀ ਓਪਨ ਦਾਇਜ਼ ਐਂਡ ਸੀ ਦੇ ਗੋਡ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟੈਗੋਰ ਸੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਗੋਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਬ ਪੋਇਮ ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਟੈਗੋਰ ਸੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਟੈਗੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨਟ ਫਾਈਂਡ ਗੋਡ ਇਨ ਟੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨਟ ਫਾਈਂਡ ਹਿਮ ਬਾਈ ਚੈਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਚਾਰਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨਟ ਫਾਈਂਡ ਹਿਮ ਬਾਈ ਟੈਲਿੰਗ ਆਫ ਬੀਡਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੀ ਲਿਵਸ ਅਮੰਗ ਪੋਰ ਲੇਬਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ Uh, go and work with the poor if want if we want to find a god bhai jehda hai ga ba assi usnu jehda hai ga ba ki hai is layi je kar assi rab nu labna chahunde ha ta sanu garib nal ja ke kam karna chahida hai ta eh toha answer ho gaya theek hai ji ta eh de vich ohi likhya hai ba ki apna jehda hai ga ba o ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਗੋਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਐਨੀ 3 ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ 9 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਵਾਈ ਡਿਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰ ਦਾ ਬॉय ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦਾ ਬॉय ਵੈਂਟ ਟੂ ਹਿਮ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਟ ਚੇਂਜਸ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਡ Uh, हाँ जी ही हैड ग्राउंड ओल्ड ही बिकम बर्ल्ड एंड गॉट बीयड ऑन हिज फेस ही कुड नॉट क्लिम्ब अ ट्री डाइव इन टू अ पूल और ईट ग्रीन मैंगोज़ भाई की होया हो जरा बुढ़ा हो गया सी ज गंजा हो गया सी बर्ल्ड ठीक है उस तो बाद उसके जो है चेहरे पर जो हैड़ी थी कि बीयड सी ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੇ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਵੈਂਟ ਹੂ ਵੈਂਟ ਵਿਦ ਚੈਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈਨਾ ਨਾਲ ਚੈਨਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਚੈਨਾ ਵਾਈਪਸ ਹਿਸ ਫੋਰ ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਦਾ ਕੈਟ ਵੈਂਟ ਵਿਦ ਹਿਮ बई ज है चैना की पत्नी उसके चार बच्चे थे, बिल्ली उस गए तो बाद अपना अगला प्रश्न की है इतने वट द बहरमान मास्टर uh, पीस मतलब कि बहरमान मास्टर पीस की सी इसका आंसर आ द आई बी लीफ ही पेंटड वाज इज़ मास्टर पीस यानी कि आई बी पत्ता जो उसने पेंट किया uh, मास्टर पीस uh, सी उस तो बाद अपना प्रश्न है वाई वर द कॉटीयस हाँ जी काउटियस एनजाइशी यानी कि दोस्तों जोड़ा है अपना दरबारी जोड़े है बेचैन क्यों सी ठीक है क्यों सन तो इसका आंसर जोड़ा है आ जाएगा अपना दे वर एनसी टू मीट द न्यू किंग वह जो है नवे राजे मिलने लिये है बेचैन सन ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ ਡੂ ਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਰਡ ਸੈਟ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ অর ਅਰੇਂਜਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆ ਅ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਯਾਨਕਿ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਬਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੈਟ ਟੇਬਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਸੈਟ ਫॉर द ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਟੇਬਲ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਡ ਤੇ ਟਿੱਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਰੇਂਜਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ অর ਅਰੇਂਜ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗੇ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਉਨ ਐਂਡ ਦਾ ਵਰਬ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫ ਯਰ ਓਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਾਨਕਿ ਬੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਉਨ ਅਤੇ ਵਰਬ ਬਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਉਨ ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ शब्द जग किर वह लिखो मतलब वाक बनाओ तो दोस्तों चलो देखो की है नाउ के लिखा द बेल अमाउंट फोर द सस्पैक्ट वाज जो डॉलर तेन थाउजेंडते बर्ब का बनेगा दोस्तों द लॉयर विल ट्राई टू बेल हिज कलाइंट आउट ऑफ जेल ठीक तो है जी ताइटा जी है बर्ब हो जाएगी उसका तो प्रश्न है गिव द सनोनीयम ऑफ द फॉलिंग बर्ड्स ठीक है जी तो बेल मतलब दोस्तों की होंगे वा वही जमानत जिन्होंने आप कहने ठीक है जमानत वगैरह अगर अपना गिव द सनोनीयम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यानी कि भी जो है वा समान अर्थी शब्द ठीक है जी सिंपल दे विच सनोनीयम का मतलब की होंगे वा समान अर्थी शब्द तो बिग का मतलब की हो जाएगा दोस्तों समान अर्थी शब्द बिग मतलब होंगे वा अपना जिमें कि बड्डा तो बड़े का दोस्तों की हो जाएगा लार्ज ठीक है जी आह भी इसका सनोनीयम वर्ड हो गया बिग कह लो या लार्ज कह लो तो गल एक ही है तो यह सनोनीयम हो जाएगा इतने सिमिलर सिमिलर वर्ड यानी कि समान अर्थी शब्द उस तो बाद है अपना राइट का जोड़ा है कि हो जाएगा तो सुनोनीयम रइट मतलब कि होंगे ब सही तो सही का दोस्तों की हो जाएगा अपना कोरैक्ट राइट कोैक्ट गल एक ही है ये भी सुनोनीयम हो गया हूँ इसके उल्टा सनोनीयम नहीं हूँ हैगा अंटोनीयम्स यानी कि इस द उल्टे यानी कि विपरीत शब्द अंटोनीयम्स विरोधी शब्द कह सकते हो पंजाबी दे तो देखो की है अपना अरली अरली मतलब कि दोस्तों छ छेती या फिर जल्दी ता इस दा सा तो इसमें जोड़ा है वा आप इसका उलट लिखना वा अंटोनीयमसा हूँ तो अर्ली दा दोस्तों की हो जाएगा लेट अगे अपना दोस्तों हाँ जी अगला हैगा तो है होनेसट का जरा अंटोनीयम की हो जाएगा ईमानदार का तो ईमानदार दोस्तों की हो जाएगा डिसहोनैसट यानी कि बेईमान तो यह आंसर हो गया अगला दोस्तों तो हम ट्रांसलेशन है एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामर ट्रांसलेशन कंपोजिशन ने तो बोस वाज वेरी मतलब आह इंग्लिश टू पंजाबी कन्वर्ट करना वा इंग्लिश के पंजाबी के इसमें लिखना वा तो कि बोस वाज वेरी नेचर अ रेवल ठीक है जी तो इस् आप किस प्रकार लिखा बोस सुभागी सी ठीक है जी तो यह आंसर हो जाएगा दूसरा अपना की पूछा इन्होंने र हिम अवे फ्रॉम एनवी ठीक है जी स्टीज फोर तो इसमें जोड़ा है लिखा गया ईरखा तो दूर रखो तो तीसरा है अपना एवरी सैकेंड इन लाइफ इज इंपोर्टेंट तो इसको आप प्रकार लिखा जिंदगी हर सैकेंड महत्वपूर्ण है तो अगला है अपना चौथा देर आर नो मैन इन द विलेज इसका आंसर आ जाएगा अपना पिंड कोई मर्द नहीं है उस तो बाद है अपना द स्काई ब्लैस्ड विद स्टार्स तो इसको आप प्रकार लिखा असमान तार चमकिया तो हूँ दोस्तों अपना अगला तो ट्रांसलेशन आ जो कि तू जीबा हुई है इंग्लिश कन्वर्ट करना वा तो सूँ अपने देश की सेवा करनी चाहिए है इसनों आप प्रकार लिखा वी शुड सर्व अवर कंट्री ठीक है जी ता तो यह आंसर हो गया उस तो बाद अगला है अपना कि मैं थोड़ा तो कुछ पैसे उधार देता हाँ मैं थानू कुछ जैसे उधार देता हाँ तो इसमें लिखा आई कैन लैंड यू सम मनी उस तो बाद दूसरा है तीसरा वा अपना सूरज पूर्व वलों जोड़ा है सुरब पूर्व आर्ब निकलता है पूर्व वलों निकलता है या फिर ठीक है तो इसमें आप प्रकार लिखा सूरज पूर्व वल तो निकलता है तो इसमें लिखा द सन हैज राइजन फ्रॉम द ईस्ट उस तो बाद दोस्तों उसकी इत हाँ जी तो अगे अपना दोस्तों उसने जीड़ी हैगी पीती उसने जीड़ी हैगी चाह पीती तो इसमें लिखा आप ड्रिंक टी ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਸਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਟੇਕ ਟੀ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ 100 ਬਰਾਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ 100 ਬਰਾਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖ 100 ठीक है जी तो यह आंसर हो जाएगा उस तो बाद है अपना ग्रामर आ डू एज डायरेक्टेड बईे जग निर्देश अनुसार प्रश्न के आंसर जो है देने हैं तो देखो पहला फिलिंग द ब्लैक्स की है विद सुटेबल डिटर्मीनर गोल्ड इज़ जग डैश प्रिशियस मैटल जोड़ा है इतने की आ जाएगा अपना सोना जो है वा कीमती धात है तो इतने जो है वा थोड़ा की आ जाएगा अ ठीक है जी इस आ बोलते हैं यानी कि ए तो गोल्ड इज़ अ प्रिशियस मैटल अगे अपना हीट हीट इज मी फोर डैश आवर यानी कि जोड़ा है वा मैं जो है घंटे लिए सिखा है तो इसमें इतने आप लिखा एन आवरस इतने जो है अपना एन आ जाएगा इतने एन अगे अपना फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन ही फैल इन टू द रिवर आ ही आएगा इस इन टू द रिवर पिछले पेपर भी असी आह हो इन टू द रिवर इतने आ जाएगा वो जो है नदी में डिग पिया ਵੀ ਸੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਉਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਉਂਡ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਖ ਲਓ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਉਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਸੂਟੇਬਲ ਮਾਡਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਰਿਚ ਡੈਸ਼ ਹੈਲਪ ਦਾ ਪੂਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੁੱਡ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੇਅਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁੱਡ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੇਅਰ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਾ ਰਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਲਪ ਦਾ ਪੂਰ ਯਾਨਕੀ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯਾਨਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਗੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡੈਸ਼ ਨਾਟ ਇਨਸਲਟ ਮੀ ਯਾਨਕੀ ਡੇਅਰ ਡੇਅਰ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਹਿੰਮਤ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨਕੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਡੇਅਰ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਸੂਟੇਬਲ ਕਨਜੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਵਰਕਡ हार्ड डैश ही फेल्ड तो इतने अपना जो है आंसर किया जाएगा तो देख लो इतने जो है व अपना आ जाएगा यट यट मतलब दोस्तों की होंगे वा हाँ जी इतने दोस्तों तुम अपना आ की टेक ला लेना वा हाँ जी आ रहा यट यानी कि बह जो है वा वो सख्त मेहनत ज उसने सख्त मेहनत की जोड़ा है जड़ा है फिर भी जो है असफल रहा ठीक है जी तो इतने दोस्तों तुम की कह सकते हो अब फिर भी जोड़ा है वा वह असफल रहा योस्तों मतलब होंगे वा फिर भी वह जो है असफल रहा अगे दिस इज़ द लेडी डैश परस हैज़ बिन स्टोलन इतने हूम आएगा या फिर हूज आएगा तो देख लो इतने जोड़ा है अपना आएगा, ता हूज आएगा ठीक है जी तो हूज तो इतने दोस्तों जोड़ा है लिख लेना वा हूज परस हैज़ बिन स्टोलन बई यह औरत का परस है जो कि चोरी हो गया जिस का दोस्तों की है अपना जिस का परस चोरी हो गया उस तो बाद अपना है शी होप्स दैत दैत शी विल पास दिस ईयर पिक आउट द नाउन कलाउज़ ये दोस्तों की है उसू उम्मीद है कि वह इस साल जी पास हो जाएगी तो ये दोस्तों अबजैक्टिव नाउन कलास चुनना बाहर तो यह आंसर हो जाएगा अपना शी विल पास दिस ईयर तो यह आंसर यो हो जाएगा शी विल पास दिस અ યાર તુસી ઇથે જેડા હેગા બટ ટીક લા લેના વા એહે વાલા ઇસ ધ આન્સર હો જાયેગા અ નાઉન ક્લાસ અગે અપના ધીસ ઇઝ ધ સ્કૂલ વેર રાજુ ગોટ હિઝ એજ્યુકેશન પિક આઉટ એડજેક્ટિવ ક્લાઉસ યાની કે એ હો સ્કૂલ હે અ એહે ઓ સ્કૂલ હે જિત્થે રાજુ ને શિક્ષા પ્રાપ્ત કીતી તા ઇસ ધ આન્સર જેડા હેગા આ જાયેગા અપના વેર રાજુ ગોટ હિઝ એજ્યુકેશન તા એ તો આ તમા આન્સર હો જાયેગા અપના એડજેક્ટિવ ਕਲਾਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜャ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ देयर आर 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਪੈਸੇਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਊ ਇਟ ਲੁਕਸ ਹਾਊ ਇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ राइज दोस्तों rise, चौड़ा, चौड़ा तो दोस्तों की लिखा है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अमेरिकन राइज यानी कि भाई चौलान अमरीकी चौलान दिव तीन किस्म उस तो बाद दोस्तों लोंग गन लोंग ग्रेन इज सिलेंडर हाँ जी की लिखा दोस्तों लोंग ग्रेन इज सिलेंडर लंबे दाने पतले होंगे ठीक है द ग्रेन रिमेन्स सेपरेट वेन कुकड इट इज सिचुएटेड इट इज सिचुएटेड टू मेन डिस इज सलाद्स एंड सूप्स ठीक है यानी कि दोस्तों की है पकाए जाने दोस्तों दाने वखरे रेंदे हैं यह मुख्य पकवान सलाद ਅਤੇ ਸੂਪਾਂ ਦੀ ਸੂਪਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਮੋਟੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਿਖਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਦਰਮਾਨੇ ਅਨਾਜ ਲੰਬੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟੇ ਤੇ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਧੇਰੇ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਛੋਟਾ ਅਨਾਜ ਦੋਸਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠੀ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚੌਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਤਰਕਿਆ ਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭੂਰੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਟਾਣੂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਧੇਰੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਭਿੱਜਿਆ ਤੇ ਭੁੰਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲੋ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਨਾਲੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲਾ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਡੀ ਹਾਈਡਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਇਸ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ आही सब्डा सेम प्रश्न देख लो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ अमेरिकन राइज त तो इन्ना का ही प्रश्न है तो इस प्रश्न के दोस्तों दो प्रश्न लिखे हुए आंसर की आएगा फाइनल आंसर देखो की है आफ्टर द रीडिंग पैसेज गिवन द नोट्स आर क्लासीफिकेसन ऑफ अमेरिकन राइज ठीक है जी तो दोस्तों इस पेरे को पढ़ने बाद इसका आंसर देखो की निकल कर आ रहा वा हाउ इट्स लुक ठीक है जी तो उसका आंसर की जाएगा सिलेंडर यानी कि पतला उसका अगला देखो कि इतने हाँ जी इतने देखो आ रहा थोड़ा ठीक है जी तो दोस्तों ये कि अपना हाउ इट्स पहला शुरू तो देख लेना लें प्रश्न अपना हाउ इट्स हाउ इट लुक् आही थोड़ा तो प्रश्न है ना क्वेश्चन पेपर दे देखते हैं चलो आपको हाउ इट लुक्स ठीक है जी यानी कि यह किमें दिखाई दिता है क्लासीफिकेसन ऑफ अमेरिकन राइज तो यह आंसर जो है वा आ जाएगा अपना हाउ इट्स लुक के लिखना वा इत सिलेंडर पलंपर राउंड ठीक है जी यानी कि बी जो है पतला पलंपर और जोड़ा है वा गोल तो यह जो है आंसर हो जाएगा दूसरा अपना ये प्रश्न की पूछा है वा हाउ इट्स प्रोसैसड जगा वह इसकी प्रक्रिया किमें की जाती है हाउ इट्स प्रोसैसड का द सोक्ड स्टीम्ड डीहाइड्रेटड ठीक है, है, है जी तो मतलब इसकी जी प्रक्रिया किमें की जाती है भिज्या जाता है भुलने जब भुनिया जाता है ठीक है जी भुल मतलब स्टीम किया जाता है डीहाइड्रेट किया जाता है ठीक है जी तो यह दोस्तों तो आंसर हो जाएगा बाकी यदि एक्सपलेनेशन जी है आ रही पूरी एक्सपलेनेशन आह अगर तुम चाहो ये आंसर भी लिख सद हाउ इट प्रोसैसड त हाउ इट हाउ डज़ इट लुक किस तरह जग व जो है वा दिखाई देता है इसकी प्रक्रिया किमें है तो इसका आंसर आ भी रीड आउट कर सदग ग्रेन इज सिलेंडर एंड द ग्रेन रिमेन सैपरेट वैनिकुग्ड लंबे दाने पतले होंगे पकाए जाने वक्रे दाने रेंद्ते हैं मीडियम ग्रेन की है इस पलंपर दैन लौग ग्रेन एंड मोर टेंडर जोड़ा है वैन कुगड दरम्याने अनाज जोड़े है मीडियम वाले वह की है दोस्तों लंबे अनाज नो मोटे पकाए जाने की है वधेरे कोमल होंगे उसद यह तो शॉर्ट ग्रेन इस आलमोस्ट राउंड छोटा अनाज लगभग दोस्तों गोल हूँ है उस तो बाद लिखी हुई है हाउ इट्स प्रोसैसड देखो की है पर बोयल्ड और कन्वर्ट राइज इज़ सोग्ड बई जो है व पकाए इसकी प्रक्रिया किमें पकाए या फिर दोस्तों बदले हुए है ज मिलिंग तो पहला जो वा भेजा जाता है फिर उसके तो बाद सुखा लिया जाता है उस तो बाद दोस्तों आई लिखा स्ट्रीम एंड ड्राइव बिफोर मिलिंग इट रिटेन हाँ जी इट रिटेन मोर न्यूट्रीशन दैन वाइट राइज बट टेक 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਸ ਲੰਬਰ ਟੂ ਕੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਕੁਕਡ ਵਾਈਟ ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਕੁਕਡ ਐਂਡ ਡੀ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਆਫਟਰ ਮਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲिटल ਕੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ लगता है उस तो बाद हूँ अपना अगला हैगा वा की लिखा हुआ इतने अपना हाँ जी तो कुछ मिसिंग हो गया नहीं जी नहीं कुछ मिसिंग नहीं है तो हूँ हैगा अपना राइट है पैराग्राफ अवर स्कूल प्योन यानी कि जोड़ा है वा पैराग्राफ लिखो साडा स्कूल का जोड़ा है चपरासी बारे अवर स्कूल पोयन प्योन मतलब चपरासी तो देखो इसका पैराग्राफ का आंसर यही है अवर स्कूल प्योन यानी कि रामू इज़ अवर अ स्कूल प्योन ठीक है जी रामू साढे स्कूल का चपरासी है ही इज़ ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड ओ जड़ा पच्ची दा है पच्चीस साल का है ठीक है उस तो बाद तो ने ही इज़ टॉल एंड जट्रोंग वो लंबा और मजबूत है ही वेयर खाकी यूनिफॉर्म ही ओबीडेंट एंड होनेसट वह जोड़ा है व खाखी वर्दी पहन दिया है वह आग्याकारी ईमानदार है ही इज़ अ ट्रू टू हिज ड्यूटी ही रिस्पैक्ट द टीचरस ही आलवेज है स्पीक द ट्रुथ वो जोड़ा है आग्याकारी ईमानदार है ठीक है जी वह अपने फर्ज पर फर फर्ज प्रति सच्चा है अध्यापक का सत्यकार करता है वह हमेशा ही जोड़ा है सच बोलता है ही नो इज जॉब वैल वो जोड़ा है वा अपने काम को चंकी तरह जानता है रामू लिवस इन द स्कूल ही गैट अप अर्ली इन द मॉर्निंग रामू स्कूल रहा है वह सवेरे जल्दी उठ जाता है उस तो बाद ही स्विप द स्कूल ओ oh, जोड़ा है स्कूल झाड़ू मार है उस तो बाद अपना ही डस्ट ਹੀ ਡਸਟਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੀ ਡਸਟਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਧੂੜ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਰਿੰਗਸ ਬੈਲ ਐਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਬਿਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੂਸਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੌਥਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ द होल डे जो है वा सारा दिन व्यस्त रहा है ही इज लॉयल टू द स्कूल वो जो है स्कूल के प्रति वफादार है उस तो लिखा इन्होंने कि ही लुक आफ्टर द स्कूल प्रॉपर्टी ही लुक्स आफ्टर द स्कूल प्रॉपर्टी हिज ड्यूटी इज हार्ड बट हिज़ पे इज समॉल आई पी टी हिज़ लॉट उसकूल की जायदाद की देखभाल करता है उसकी ड्यूटी औखी है पर उसकी तनखा थोड़ी है मैनू उस बहुत ही तरस आया तो यह स्कूल का प्यों दे हो गया हूँ अपना एगा वा तो फेवरेट सब तो कैनेडा तो डा ठीक है जी यानी कि कनाडा आप इसमें कहने कैनेडा तो देख लेना दोस्तों कैनेडा जो कि अपना विदेश है तो देखो इसका आंसर कैनेडा की है कैनेडा इज अ वन ऑफ़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कैनेडा जग दुनिया की सब तो व्डे देशों एक है उसका खेत्रफल किट्स एरिया देखो कि अपना इतने नौ हाँ कि वह हाँ जी यहाँ एरिया दोस्तों की है नवे लख छत् हज़ार एक सौ उन्तालीयोर मीटर का है वा एंड पोपूलेन इज अबाउट थर्टी टू मिलियन इसकी जीडी हैगी है अपनी पॉपुलेशन कि बत्ती मिलियन बत्ती मिल ज बत्ती मिलियन दे लगभग हैगी कैपीटल सिटी ऑफ कैनेडा इज ओटावा ठीक है uh, Ottawa, जी यानी कि बी कैनेडा की राजधानी ओटावा है द करंसी ऑफ द कंट्री इज कैनेडियन डॉलर यी देश की मुद्रा केड़ी कैनेडियन डॉलर है इंग्लिश एंड फ्रेंच आर द ऑफिशियल लैंगुएज अंग्रेजी फ्रेंच कैनेडिया भाषावर उस तो बाद दोस्तों लिखा है कि इतुएज ऑफ कैनेडा इन विंटर द कलाइमेट ऑफ कैनेडा इज बिटरली कोल्ड इन सम रीजन द मरकरी मे डिप टू माइनस सिक्सटी फाइव डिग्री सेल्सियस द एवरेज टेम्परेचर इन ओटावा इज फ्रॉम माइनस फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस टू माइनस सिक्स डिग्री सैलसीयस इन जनवरी अंग्रेजी वे मतलब दोस्तों ये आई है कि सर्दियों में कनेडा का मौसम जो है कौड़ा ठंडा होंद है कुछ खेतर में पारा जग माइनस पैहठ डिग्री माइनस पैहठ डिग्री सैलसीयस तक डिग सकता है जनवरी में दोस्तों टावा में औसत तापमान माइनस पंद्रह सैलसीयस तो माइनस जोड़ा है छे डिग्री सैलसीयस तक हूँ उसद तो अपना देखो की है इन द जुलाई द एवरेज टेम्परेचर इज़ पंद्रह डिग्री सेल्सियस टू छब्बीस डिग्री सेल्सियस द मेन प्रोडक्ट ऑफ द कनाडा आर फ्रूट वेजिटेबल लाइफ स्टॉक्स तंबाकू कॉपर जिंक आयरन साल्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस बईकी जुलाई में औसतन तापमान पंद्रह डिग्री सैलसीयस तो छब्बी डिग्री सैलसीियस है कैनेडा के मुख उत्पाद फल सब्जियां पशु धन तंबाकू तांबा जिंक लोहा नमक तेल कुदरती गैस एंड द एंड मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द कं ਅਰ ਆਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਮੀਕਲ ਔਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਗੈਸ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਸਾਇਣ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਮੈਂਟ हैं उस तो बाद दोस्तों इन्होंने ने लिख्याय वहीकल मशीनरी फूड स्टफ्स नैचुरल गैस मीट कोल एंड टिंबर आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री जोड़ा है वाहन मशीनरी भोजन पदार्थ कुदरती गैस मीट कोला लक्ड़ दूजे देशों निर्यात किया जाता है यानी कि दोस्तों इतने एक्सपोर्ट किया जाता है कैनेडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिवेलपड नेशन ऑफ द वर्ल्ड कैनेडा दुनिया के सब तो विकसित देशों एक है ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂ ਆਰ ਕਮਲ ਐਂਡ ਯੂ ਲਿਵ ਐਟ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਯਰ ਫਰੈਂਡ ਅਪੋਲੋਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਅਪੋਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਅਪੋਲੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰ ਨਾਟ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਅ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਆ ਕੀ ਬਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ पाए ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਅਪੋਲੋਜ਼ਾਈ ਅਪੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਪੋਲੋਜ਼ਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪੋਲੋਜ਼ਾਈਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਪੋਲੋਜ਼ਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅਪੋਲੋਜ਼ਾਈਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਯਾਨਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਯਾਨਕਿ ਅਪੋਲੋਜ਼ਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ता इस देख तो देखो चलो इसका आंसर देख लिने आप की आ जाएगा आ रहा अपोलो हाँ जी अपोलोजाइजिंग फॉर नॉट अटेंडिंग अ बर्थडे पार्टी यानी कि जन्मदिन पार्टी जो है वा शामिल ना होने लड़ी माफ़ी मंगने ला कि लिखना वा एक सौ इकवंजा ग्रीन फील्ड संगरूर छब्बी अप्रैल दो हज़ार चौबी पा रहे हो डेट माई डियर मनमीत आई एम रियली सॉरी दैट आई कुड नॉट कम टू योर बर्थडे पार्टी आई वॉज़ रेडी टू कम माई फादर वॉज़ टू कम टू ड्रॉप मैट सॉरी माई फादर वॉज टू कम टू ड्रॉप मी एट योर होम मैं सचमुच अफसोस है मैनु सचमुच अफसोस है कि मैं थोड़े जन्मदिन तो पार्टी नहीं आ सकिया मैं आने ल्यार मेरे पिता ने मैनुर छडन आना फिर की होया उस बाद बई बट एट द लास्ट मोमेंट ही है ही हाँ जी बट एट द लास्ट मोमेंट ही गॉट स्टक इन अर्जेंट मीटिंग इन हिज ऑफिस सो ही कुड नॉट कम टू ड्रॉप मी अचानक की होया बई ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨਕੀ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੂਰ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਇੰਜੋਏ ਇਟ ਲੋਟ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਪੋਲੋ ਜਾਈਜ਼ ਫੋਰ ਨਾਟ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਯੂਅਰ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਹੋਪਿੰਗ टू मीट यू सून ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਿਅਰ ਐਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਲਿਆਲ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਜਲੰਧਰ ਆਰਡਰਿੰਗ ਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਟਮ ਯਾਨਕੀ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਲ ਬੁੱਕ ਡਿੱਪੂ ਜਿਲੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਰਡਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਈਟਮ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਲੈਟਰ 765 ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਮੁਕਸਰ 15 ਮਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਇਹ ਪੈਨਸਲ ਰਬਰਟ ਸ਼ਾਪਨਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ सात सौ मुक्सर 15 पंद्रह मई दो हज़ार चौबी का मैनेजर गर्ग बुक डिपो लुधियाना सब्जेक्ट किया ऑर्डर ऑफ स्टेशनरी आइटम जर स्टेशनरी आइटम का आर्डर त सर काइंडली सेंड मी दिस स्टेशनरी आइटम पर आइटम्स पर बी, बी पी पी बी पी पी एट यूअर अर्लीएसट ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ BPP ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪੈਨਸਿਲਸ ਦੀਆਂ 20 ਬਾਕਸਸ ਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਬਲੂ ਪੈਨਸ ਦੀਆਂ 10 ਪੈਕੇਟਸ ਲਿੰਕ ਰੈੱਡ ਪੈਨਸ ਦੀਆਂ 10 ਪੈਕੇਟਸ ਪੇਪਰ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰਿਮ ਮੈਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 100 मैपा ठीक है जी तो यह uh, है वा आई एम सेंडिंग यू चैक आ चैक ऑफ आर एस टू थाउजेंड इन अडवांस मैं थोड़ा रुपए जोड़ा है किन्ने रुपये का पेशगी अडवास द रहा दो हज़ार रुपए का चैक भेज रहा हाँ इस ही ठीक है जी यू आर सिंसियरली कि दिलो राहुल इतने दोस्तों ये अपना पेपर कंप्लीट हो गया हूँ कुछ भी नहीं बचा हुआ वा इत लो एक बार जो है इस प्रश्न का आंसर भी चंकी तरह आप पढ़ सकते हो उस तो बाद हम जल करिए अगे दसवें प्रश्न है मार्क्स फॉर गुंड है राइटिंग मार्क्स अगर तुम तो मिल जाएंगे अगर तुम्हारी तो गुड हैडराइटिंग होंगी है दोस्तों उस तो बाद देख लो हूँ कुछ भी प्रश्न नहीं बचाया पूरा का पूरा पेपर यह सॉल्व कर लिया जो कि क्लास नाइन का एक साइक पेपर पहुंचा पहुंचाया तो था मार्च दो हज़ार चौबी का ठीक है जी पूरा दा पूरा पेपर असं जो है यह सोल्व करके तुडे तो सामने हाजिर कर दता है बाकी दोस्तों एक होर जो पेपर की मैं तैयारी कराई हुई है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी नेी ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 1 ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 2024 ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ 9th ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ 9th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਰਚ 2024 ਦਾ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ इस विडियो का लिंक जोड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना यह भी नंबर वीडियो नंबर वन, सी, वीडियो वन दे आ वाला पेपर पूरा ही हल करवा के तो चंकी तरह आप तैयारी करवाई हुई है ठीक है जी तो जिन्हें ने व्यो नंबर वन नहीं देखी तो वीडियो नंबर वन जाके देख लैन इस उस भीडियो के आ वाला पेपर पूरा का पूरा हल कराया हुआ जो कि पहला तो ही अपलोड है तो दोस्तों आगा इंग्लिश के दो पेपर असी कर लेकिन दोस्तों कोई अदर पेपर भी साढ़े को असी हल करकेरू रखेंगे तो कलास नाइन्थ द इंग्लिश पेपर ठीक है जी ओके दोस्तों चलो ठीक है फिलहाल ऑल द बैस्ट वे एग्जाम के लिए